ये वाओ नहीं है नहीं। और डिजाइनर है नहीं, फालतू का नाम लिख दिया, थान में कपड़े बनाए जा रहे हैं। पूरी बाय चले, चूचू आई है, चलो चलो जल्दी आ, जल्दी बंदा आराम से ना खाए खाना। नहीं गाइस ही इज इरिटेटेड, दिमाग खराब। तेरी कुछ चुप्पी निकल रही है। गाइस लिफ्ट में वापस चली गई है सेकंड फ्लोर पर, आप देख सकते हो दो और चल रहा है। मुझे लगता है ये कुछ भूल गई है इसलिए गई है, और मुझे ये दिखाने के लिए गई है कि भाई मैं नहीं खोल रही, मैं तो ऊपर जा रहा हूँ। और मुझे ये पता है ये आ गई वापस, आ गई 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 ना, आ गई। मेरे को क्या तेरी अपॉइंटमेंट लेट हो गई। सो एज यू कैन सी ये गेट खोलने की हो रही है लड़ाई, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ या तो गाड़ी चला ले या फिर गेट खोल ले। अब ये कह रही है मैं गेट तो खोलूँगी नहीं, और अपॉइंटमेंट गाइस इसकी है, इसको देखने लेंगे, यंकिता कोई है लेंगे देखने इसको। मैं कहा ठीक है अभी गेट खोल दो, 1:30 की अपॉइंटमेंट थी, 1:31 हो गए हैं घर पर बैठे बैठे, अब देखते हैं। अरे मेरे को ये गेट खोलना पड़ा था, ये तो ज़िद्दी है देखो भाई, ये तो खोलती नहीं गेट। और अब एक और चीज़ होगी, इसके डिज़ाइनर जहाँ पे भी हमने लहंगा लेने जाना था भाई पता ही नहीं है। इट्स इन बेसमेंट ऑफ कोर्टयार्ड बाय अभी, भाई हमें क्या पता कोर्टयार्ड बाय अभी कहाँ है। हम मिला रहे, फ़ोन नहीं उठा रही, गूगल मैप पे कुछ और बता रहा है, गूगल पे एड्रेस कुछ और है, समझ नहीं आ रहा। अब दिख रहा है गाइस, इन्हें okay. मेरी टी शर्ट पहनी है और मेरे को वाइट पहननी मिली कल, मैं लेके आया था ना H&M से, मेरी पहन लिया। हाँ तो तू भी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल देव एंड मैगी, कितने दिनों से नहीं करा। हाँ तो क्या हो गया अगर गेट इसने खोल दिया तो, मेरे को गुस्सा आ रहा था। किस बात का गुस्सा बे, बट गेट बंद मैंने किया था गाइस, ठीक है। अब तू घर जाके तू खोलेगी, खोलूंगी मैं खोलूंगी। अच्छा सुनो, तो हमने ये तो बताया नहीं कि हम जा क्यों रहे लहंगा लेने, सो देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, एक कुछ चीज होने वाली है, उसके बारे में अभी बताएं क्या? बाद में बता देंगे, हमारा अभी ब्लॉग ब्लॉग चल, एक बार ना थोड़ा सा फाइनल हो जाए सारी चीजें, उसके बाद हम बता देंगे कि मैं लहंगा क्यों ले रही हूँ। सो अभी आपको अपने साथ लेके चल रहे हैं, होपफुली वो हमें कैमरा पता नहीं लेके जाने देंगे या नहीं, बट फोन से हम यूज पक्का कर, मतलब दिखा देंगे थोड़ी बहुत। और पता नहीं क्या बक दिया मैंने, चलो छोड़ो वो। हाँ तो लहंगा लेने जा रहे हैं, देखते हैं पसंद आता है या नहीं। ऑल दो मैंने एक वो ऑनलाइन ना मैंने एक देखा था, मुझे पसंद आ रहा है, इट्स अ सीक्वन लहंगा, सीक्वन इज लाइक क्वाइट इन राइट नाउ, एंड बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि वो इन है, सो बट वो है इन, एंड मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है वो वाले, मैंने देखे थे, आई सॉ देम ऑन भूलगी इंस्टाग्राम पे ही है, इंस्टाग्राम नहीं अरे भूलगी, बताऊंगी अभी थोड़ी देर में देख के, ठीक है। नहीं नहीं यहीं कहीं है, चला चलो गाइस चल चल रख दे यहीं पे। ये यंकिता कपूर जो भी है कुतूर है, पहला इंप्रेशन ही हमारा। हाँ भाई ऐसे थोड़ी ना, एड्रेस बताओ ढंग से, फोन उठा नहीं रही अगली। दिस इज द स्टोर, एसी तक नहीं चल रहा स्टोर में, मैं कह रहा हूँ इसको कुछ नहीं पसंद आएगा, बेकार है, मेरे को ही नहीं पसंद आ रहा। देखने तो ले, पसंद आ रहा कुछ, मतलब ऐसे तो देखने में तो ठीक है, बस वो क्वालिटी जैसे होती है ना। हाँ थोड़ी देखते हैं भाई, ऐसे ऐसे कोई पानी तक नहीं पूछ रहे, पानी तक नहीं पूछ रहे, बताओ फिर कह रहे हैं अपॉइंटमेंट लेके आओ। यार बंदा ये तो सड़ गया इनसे, ये वाओ नहीं है, वाओ फैक्टर नहीं है इसमें मैगी, वाओ फैक्टर हमें मिला नहीं। देखो गाइस ये काम में ना सफाई नहीं है, ये धागे निकल रहे हैं, ऐसे कर रहा हूँ तो फॉइल निकल रहा है, ये थोड़ा ना होना चाहिए ना, ये नहीं हो पाएगा, ये देखो फॉइल निकल रहा है। तो गाइस हम हो तो आए हैं यंकिता के उसमें शोरूम में, आपने देख भी लिया है। हाँ बट लेकिन पता क्वालिटी नहीं थी, क्वालिटी जीरो बहुत, और ना जैसे मुझे बहुत ज़्यादा चमकीले कपड़े पहनना नहीं पसंद, तो देट वॉज टू मच ऑफ, समझ रहे हो, गॉडी थे थोड़े कपड़े। हाँ और भाई अगले ने पानी तक नहीं पूछा, हाँ। एसी चला नहीं रखे, समझ नहीं आया कर क्या रही है यहाँ बैठ के, तो बेकार रहा एक्सपीरियंस, नहीं ले रहे हम इससे। कि यहाँ पे क्या था बेसिकली, ये लोग ना रनिंग फैब्रिक खरीद लेते हैं,
जो सिप्पी वाले फैब्रिक आते हैं सीक्वेंस वाले, डिजाइन करनी हो रहे कुछ, या फिर कोई थोड़े बहुत जिसमें वो गोटा पत्ती भी नहीं था असली, वो गंदा सा फॉइल, गंदा फॉइल मैंने दिखाया है कैसे उतर रहा था वो फॉइल। हाँ, सो बेसिकली ये वो रनिंग फैब्रिक खरीद लेते हैं, ठीक है, उसके ये पैसे देते हैं एंड देन दे स्टिच इट। तो बेसिकली यहाँ पे कोई वो नहीं हो रही, एक होता है ना क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी नहीं। जैसे मैंने और इससे पहले भी डिजाइनर आउटफिट्स लिए थे, तो वो लोग क्या करते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी आपके डिजाइन के हिसाब से करते हैं सारी, एंड आपके ब्लाउज के डिजाइन के हिसाब से एम्ब्रॉयडरी होती है, फिर वो स्टिच होता है कपड़ा, ठीक है। यहाँ पे कोई एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं हो रही, एंड रेट्स उतने ऑलमोस्ट लाइक 3-4 हज़ार का फर्क होगा, बट लाइक डिजाइनर लहंगा जितने ही रेट्स हैं। तो दिस इज व्हाट इज बॉदरसम कि यार काम तुम कुछ कर नहीं रहे हो, पैसे उतने ही ले रहे हो, मतलब क्वालिटी से सैटिस्फाइड नहीं थी मैं। गाइस ये तो उससे ऐसे चिढ़ गया जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो। अरे भाई अगली ने कह रहा लेना ही नहीं है इससे, अरे क्यों भाई, तुम अगर कस्टमर को बुला रहे हो पहली तो बात नई अपॉइंटमेंट से आना है। एक बंदा नहीं उसके शोरूम में, सारे इतने बड़े शोरूम में एक एसी लगाया हुआ है, तभी नहीं बुलाती होगी लोगों की, ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरे को ही गालियां देंगे कि एसी नहीं लगाया हुआ है। पानी तक पूछ नहीं रही अगली, खुद बैठी नहीं हुई, फोन उठा नहीं रही। अबे क्या ऐसे थोड़ा यार, तुम बेचते हो सामान और डिजाइनर है नहीं, फालतू का नाम लिख दिया थान में कपड़े बनाई जा रही है। ये तो बिल्कुल ही उससे वो हो चुका है कि यार मैं तो नहीं, बेकार है। कस्टमर सैटिस्फेक्शन बहुत, कस्टमर सैटिस्फेक्शन और एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे याद आ गया कि मैं कहां से देख रही थी, कौन सी साइट है, वो है कल की फैशन। कल की आपने सुना होगा, काफी सारे लहंगे वहां पे मिलते हैं, मुंबई बेस्ड है वो, और डिजाइनर तो नहीं पता, नहीं डिजाइनर है ये फैशन हाउस क्या बोलूं उसको मैं, तो वो है। और उस पर जो मैं लहंगा देख रही थी वो भी इतने का ही था, तो ज़्यादा कोई रेट में फ़र्क नहीं लगा मुझे, तो अभी देखते हैं। और सबसे पहली बात तो इतनी गर्मी है तो पता नहीं कैसे पहनूंगी मैं। ये देखो गाइस भगवान की लाइट, ठीक है, आप देखो इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से निकल रहे हैं ऑटो। चलो अब हम कहाँ जा रहे हैं देव? बैंक्वेट। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारा क्या हुआ था, पहले सारे फंक्शन दिल्ली में होने थे, ठीक है, फिर अचानक से कोविड आ गया, एंड दैट वाज द फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, सो एवरीवन वाज स्केप्टिकल एंड स्केयर्ड, है ना। तो हमारी शादी नवंबर में थी, और हमने ना अपने बैंक्वेट्स मोस्टली जनवरी फरवरी तक बुक करा लिए थे, एंड हमने एडवांस भी दे दिया था। तो यहीं पे पीरागढ़ी में बहुत सारे बैंक्वेट की लेन होगी, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे, वहाँ पे शादी की बुकिंग हुई थी और हमने उसको 50,000 एडवांस दे दिया था, एक जगह 50, एक जगह 21, और जहाँ पे एंगेजमेंट की बुकिंग हुई थी वहाँ पे 21,000 एडवांस दिया था, और वो हमारे पैसे आप समझ लो कि वो डूब ही गए, क्योंकि दे नहीं रहे। अगर किसी को पता है कैसे क्या कर सकते हैं, कोई लॉ है, क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं हम आपके एडजस्ट कर देंगे पैसे, वो भी पता नहीं एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे, और एडजस्ट करने के टाइम पे भी वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप इतने का बिल बनवाओगे तो हम एडजस्ट करेंगे कि आप ज्यादा लोग ले। बेसिकली वो बहुत ज्यादा रेट्स बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने थोड़े से पैसे दे रखे हैं, ठीक है। तो हाँ, तो शादी और एंगेजमेंट दोनों दूसरी जगह पर हुई थी, तो हमारे ये वाले पैसे भी डूब गए, ठीक है, और हमारे वहाँ तो जो लगे सो लगे, तो हमने कहा चलो छोड़ो यार, अब जो हुआ हुआ। सो नाउ अभी एक छोटी सी गैदरिंग क्योंकि हमारी आ रही है, तो हमने सोचा कि हम जाके उन बैंक्वेट्स वाले से बात करें। हम चालूपंती करेंगे, हम क्या करेंगे देव, हम पहले उससे रेट नॉर्मली हम रेट पूछेंगे उससे कि हमारे जैसे 50 अलाउड है, 50 बंदों की गैदरिंग हो जाएगी हमारी, तो हमें अपने रेट दे, जब वो रेट देगा उससे अच्छा नेगोशिएट करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे हमारी यहाँ पे बुकिंग हो रखी है ऑलरेडी, अब तू बता कि हमारे पैसे कितने कम करेगा, क्या करेगा, अब देखते हैं। तो या क्योंकि यार कोई लॉ तो होना चाहिए ना, हमने पैसे दिए, कोविड के चक्कर में नहीं हुआ फंक्शन, तो गिव अस द मनी बैक। और ये भी नहीं कि हमने बहुत कम दिए, तू 10-20% काट ले जो तेरा कटता होगा, ठीक है, लेकिन सारे पैसे थोड़ा रख लेगा भाई। वो रहा वो वाला बैंक्वेट यूफोरिया, यहाँ पर होती हमारी शादी। अरे पैसे हम ये नहीं बोलेंगे ना, फंक्शन हमारा एडवांस आ रखा है, हमने फंक्शन करा नहीं था। ये आया है कुछ बहुत बढ़िया चीज आई है, कॉफी मशीन।
जो घर पे पड़ी है उसमें आज तक कॉफी बनाई नहीं है। अरे इसमें बनाएंगे जब तक हमारी कैप्सूल्स रहेंगी। ये वो है वो जो ऐसी छोटी छोटी डलती है। हाँ। बेटे अभी चप्पल आई है मम्मा उधर से घुमा के मारेंगी जैसे डब्बे पैक रहे। मेरे को गैजेट्स अच्छे लगते हैं। जो दे दो ये पी लेता है, इसको बस चाहिए होता है कि चीनी दे दो बस, उसमें चीनी होनी चाहिए। मेरे को गैजेट्स अच्छे लगते हैं। छोटी सी है। हाँ हाँ क्यूट है। कॉफी मशीन हमने यहाँ पे लगा। कॉफी मशीन लगा दी हमने यहाँ पे। मैंने यहाँ सेटअप लगवा दिया इससे क्योंकि बहुत गर्मी है यार वहाँ पे। और गाइस मीनवाइल जब तक ये हल्का सा सेट कर रहा है, ये देखो ये जंगल बन गया हमारा लिटिल जंगल। एंड ये हमारे पॉट्स हम बंजारस लाए थे, आपने देखी होंगी। सो ये अब कुछ ऐसा लग रहा है। अब इसको हम यहाँ पे, इसमें फ्रॉथर है ये अब यहाँ पे हमने ये डाल दिया है कैप्सूल। इसको करते हैं ऐसे कैप्सूल भी नहीं दिखाया उनको। बंद कैप्सूल ऐसे छोटा था भैया। वो घूम रहा है मैगी, ये देख पागल हो, बॉयल हो जाएगा। नहीं होएगा, देख एक बार। अबे देख तो सही, घूम रहा भाई अगला। ये मिल्क फ्रॉड हो रहा है, बंद कर। प्रेस एनी बटन टू स्टार्ट प्री हीट द मशीन। फैंसी लग रही है। हाँ मतलब कॉफी टेस्ट्स गुड। मतलब ये ना वो अमीरो वाली लग रही है मशीन। बिना ऑप्शंस है, कैपुचिनो लाटे, ओ कोल्ड का भी ऑप्शन है। यस यस, हॉट चॉकलेट और कोल्ड, कितना सही है यार। मैं तो कोल्ड कॉफी बनाऊंगी। अभी जल बोल रही थी कि यार कोल्ड कॉफी नहीं बन सकती इसमें। हाँ बन जाएगी, चल रही है। आ रहा गाइस, ओ यस, पीनी वीनी है नहीं। मैंने मेरे को देख के ही अच्छा लग रहा है। देख लो आज, अब इसने एडमिट ही कर लिया कि पीनी है ही नहीं इसने। हाँ की भाई, बस ये स्मॉल कप के लिए इतनी आती है। मेरे को लंगो भी चाहिए। नहीं देव पागल है क्या यार। देखो अभी पिएगा तो है नहीं, मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, कोल्ड ब्रू कर दूंगी। सही है गाइस, इसको देखो ये पप्पी, इसको बस ये करना था, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते पीना वीना होता नहीं, बस खेलना। बंद नहीं हो रही यार ये, अब कॉफी बंद कैसे होती है। ये ले लंग, ओ लंगो वो है कि सिर्फ जो ब्लैक कॉफी पीते हैं। ओए नहीं बंद नहीं होगी, इंग्रेडिएंट तो दिया ही नहीं उसने, चीनी चीनी तो अपने पास पड़ी है। हमारा बरिस्ता है एंड द मिल्क इज ब्यूटीफुली फ्रॉथी। ठीक है अब हम वो डिजाइन बनाएंगे। आई एम एक्साइटेड टू सी कि कोल्ड का कैसे करता है ये। यस इतना बड़ा इसने मग्गा बना लिया। हाँ जी। क्या कह रहा था, कह रहा है अभी आपको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, कहता मैं क्या करूंगा इसका। पी ना इसको, उछल उछल के बना। चीनी नहीं है ना, चीनी डाल ले। कॉफी ठीक ठाक है, चीनी नहीं है अब, बस ठीक है। अब गाइस इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छी सी, बस ये वीडियो बनेगा। पीनी पुनी यानी पानी इधर मेरे मुंह में आ रहा है। और आपको अगर पता नहीं है तो मेरे को, क्योंकि मेरा स्टमक इज रियली सेंसिटिव, तो मैं ज्यादा पी नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ये जो है अपना बना के, वैसे गाइस ऑनेस्टली टेलिंग यू, मतलब हाँ ऑनेस्टली टेलिंग यू, मैं बनाऊंगा। अभी तो मेरे को बस ट्राई करनी थी कि कैसे बनती है क्या है, क्योंकि ना इसका शूट करना है वीडियो का। अब वहाँ पे गलती हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मुझे देखना था। अब देख लिया, अब बढ़िया से कॉफ़ी हम बनाएंगे जो मेरे को अच्छी लगती है। मेरे को ग्रीन वाली अच्छी लगेगी कैप्सूल जहाँ तक मुझे लगता है, तो वही वाली हम बनाएंगे रात को। ओह शिट, बैठे बैठे मैगी, आपको पता लगा आपकी एनिवर्सरी आने वाली है 3 महीने में है। बताओ हमें पता ही नहीं लगेगा, मतलब कि अभी मम्मी यहाँ पर बात कर रहे हैं, मम्मी अब भाई से बात कर रही हैं कि भाई नन्नू की एनिवर्सरी आ जाएगी। सिट ओके। सो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि ये टूट गया था, तो अब इसको हम पीओपी से भरेंगे। आधा अधूरा काम हो गया, इधर का भर गया, लेकिन वो पीओपी रह गया, तो कल फिर से पीओपी लानी पड़ेगी थोड़ी सी। बताओ ऐसे रोटियां कौन से एकता है, मतलब जब पूरी तवे पे ना बनाओ सीधा गैस पे सेक दो। नहीं तो सेकते हैं, नहीं सब नहीं सेकते, सब नहीं सेकते ना, मम्मी सेकती।
ऐसे रोटियां तब से भी जाती है जब बड़ा जल्दी जल्दी में बनानी है। बड़ी दो रोटी बनानी है मैंने जल्दी जल्दी, कहीं खाते ही मतलब आलस कर रहे हो, कहीं खाते ही सिर्फ सिकी हुई रोटियां, दूसरी खाते ही नहीं है। मेरे को वैसे तवे पे सिकी हुई अच्छी लगती है। अच्छा, इस पे कड़क हो जाती है। हां तो दंड पड़ी है इसको, सब मेरे को सारी चीजें सॉफ्ट चाहिए इसको। तो भाई अब हम अपना डिनर करेंगे, आप क्या कर रहे हो कमेंट में बता दो इस व्लॉग को देखते हुए। डिनर दिखा दे। डिनर हमारा ये रहा, मटर पनीर आलू की सब्जी है और साथ में रायता है। और हमने आज एक्सरसाइज शुरू कर दी इसलिए वी आर बैक टू पनीर। यस, ट्राई करेंगे पूरा कंटिन्यू रहे, होप फॉर द बेस्ट, ऐसे से कर दो, होप फॉर द बेस्ट। And we'll see you in the next vlog. Hope you like this video. I hope you like this vlog actually. अगर अच्छा लगा है तो kindly कृपया करके subscribe बटन दबा दीजिए और like भी कर दीजिए, comment कर दीजिए कौन सा part आपको अच्छा लगा है, और हम आपको next vlog में देखेंगे। Bye bye.